वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ, जो कि ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको कहा जाता है डोरमेट और आसनी। तो इस पर आप लोग पूजा भी बैठ कर कर सकते हैं। आप लोग इसको दरवाजे के गेट के पास भी रख सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर लगता है और ये क्रोशिया से बनता है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको 10 नंबर का क्रोशिया या जो आपके पास क्रोशिया हो वो क्रोशिया ले लीजिएगा। और ये मोटा वाला ऊनी है, इसमें लाइटिंग है। तो आप ऐसा वाला ऊनी कम से कम 200 ग्राम या 250 ग्राम ले लीजिएगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। या बचा हुआ उनसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको डिजाइन बता रही हूँ, आप लोग इसे जरूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आप थोड़ा सा चेन बनाकर या आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाइएगा उतना बड़ा चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया डालते हुए आप एक लाइन इसका बॉर्डर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें हम आपको डिजाइन बता रहे हैं डबल क्रोशिया से, ये दो लाइन छोड़कर इसके अंदर से आप दो डबल क्रोशिया बनाइएगा। इस पर आप लोग पूजा बैठकर कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं बैठकर, और गेट के पास भी रख सकते हैं। देखिए, एक चेन, फिर ये आप दो तीन छोड़कर इसके आगे आप फिर डबल क्रोशिया से तीन छोड़कर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, फिर ये एक चेन बनाकर फिर ये तीन डबल क्रोशिया को छोड़कर फिर इसके आगे आप दो डबल क्रोशिया बनाइएगा। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये ऐसे ही पूरा लाइन आप बना लीजिएगा, फिर अगले बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन बन गया है। ये डीप कलर है तो इसमें आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग डिजाइन ही समझिएगा। तो फिर आप इसके अंदर से दो डबल क्रोशिया बनाइएगा, फिर एक चेन, फिर ये दो डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसके बीच से हमको दो डबल क्रोशिया बनाना है। आपके पास बचा हुआ ऊन अगर घर में होगा तो उससे भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा ये बनने के बाद, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गेट के पास रखकर। देखिए, इसके अंदर में हमको डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसके बीच में हमको एक चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये डबल क्रोशिया, इसी तरह से दूसरा लाइन बना लेंगे। तो फिर आपको एक लाइन बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक लाइन और आपको बता रही हूँ। अभी तक मैं आप जरूर समझ गए होंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक चेन, फिर इसके बीच से हमको दो डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, ये डिजाइन आप ब्लैंकेट
ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट में भी बना सकते हैं। और ये डिजाइन आप लेडीज शॉल में भी बना सकते हैं, और लेडीज कार्डिगन या बेबी कार्डिगन या जैकेट में भी बना सकते हैं। फिर देखिए दो डबल क्रोशिया, फिर ये एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, आप अपने हिसाब से कोई भी ऊन ले सकते हैं जो उपलब्ध हो आपके पास, या जो कलर का या जो ऊनी आपको पसंद हो उस ऊनी का आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो बताई हूँ वही ऊनी आपको लेना है, कोई भी ऊन और उसके हिसाब से आप क्रोशिया ले सकते हैं। देखिए एक चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, ऐसे ही आपको पूरा डिजाइन बनाना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। छोटा सा नमूना बताई हूँ, अब इसके बगल से आप ये चेन बनाकर फंसाना है आपको। देखिए तो इस तरह से आप दो चेन, तीन चेन लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसका किनारी बना लीजिएगा तो और बहुत सुंदर लगेगा। देखिए तीन चेन, फिर ये एक छोड़कर इसके आगे हमको बिना फंदा लेकर इसको ऐसे करना है, तो ये हमारा चेन इसमें बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप चारों तरफ से किनारी बना लीजिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।